गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन। मिड टर्म आप सबका अच्छा हो गया होगा। अब हमारे जो बचे चैप्टर हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम कम है तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में डील करेंगे। तो कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर आपका स्ट्रेट लाइन के बाद 10 चैप्टर हम कर चुके हैं, तो कॉनिक सेक्शन चैप्टर नंबर 11 हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या है। कॉनिक सेक्शन, कौन से निकले हुए पार्ट्स, कौन से निकले हुए सेक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। इसका थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ। कॉनिक सेक्शन बेसिकली क्या मतलब है, अगर मेरे पास कोई डबल कोन हो, ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कोन है, ठीक है, और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब यहाँ इसके अलॉन्ग ये कोन रोटेट हो सकता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वर्टेक्स, ये इसका वर्टेक्स है। तो इस वर्टेक्स को अगर मैं अलग, इस कोन को मैं अलग अलग एंगल पर कट करूँगा तो जो मुझे अलग अलग शेप्स मिलेंगी दे आर नोन एज कॉनिक सेक्शन। तो कॉनिक सेक्शन के अंदर हमारे पास चार टॉपिक आते हैं जो इसमें हम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। बहुत लिमिटेड टॉपिक है, वैसे बहुत एडवांस लेवल था, बट क्योंकि एनसीईआरटी रिड्यूस करता रहा है सिलेबस तो बहुत लिमिटेड रह गया है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉनिक सेक्शन के अंदर आएगा सर्कल, जो हम डिस्कस करेंगे। फिर आएगा इसके बाद पैराबोला, अभी मैं क्लियर करूँगा क्या है, ये आपके लिए हो सकता है पहली बार सुनी टर्म हो तो इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आएगा एलिप्स और फिर आएगा हाइपरबोला। तो एक बार हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कैसे आया होगा। तो हमने क्या किया, एक डबल कोन लिया। डबल कोन मतलब जिसमें दो कोन आपस में वर्टेक्स वर्टेक्स ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, एक ये पैराबोला है, एक ये कोन है और एक ये कोन है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो अगर मैं कोई प्लेन लाता हूँ, बेसिकली कॉनिक सेक्शन क्या है, कॉनिक सेक्शन इज अ इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड कोन। अगर एक प्लेन को कोन के अलग अलग एंगल पे कट करेंगे तो जो फिगर्स मिलेंगी वो कॉनिक सेक्शन होती है, ठीक है। तो कॉनिक सेक्शन बेसिकली क्या हो गया, इट इज अ इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड अ कोन बाय चेंजिंग द एंगल, मतलब अलग अलग एंगल पे, एंड बाय चेंजिंग द एंगल एंड द लोकेशन ऑफ द इंटरसेक्शन वी कैन प्रोड्यूस डिफरेंट फिगर्स, लेट अस ए सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। यानी अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, मान लेते ये एंगल है, इस एंगल पे कट किया तो ये जो ऊपर की तरफ शेप आएगी ना कट करने के बाद, ये सर्कल बन जाएगी। इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो ये जो बन जाएगा ये आपका एलिप्स बन जाएगा। इस एंगल पे कट करेंगे तो यहाँ पे कट करके जो शेप आएगी दैट इज कॉल्ड पैराबोला हो जाएगी। और अगर यहाँ पे इस तरह से एक प्लेन ऐसे कट किया तो एक पैराबोला ऊपर आएगा, एक पैराबोला नीचे आएगा, तो ये हमारे पास हाइपरबोला बन जाएगा। थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए, क्योंकि इसको हम रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं, तो एक बार मैंने एक फिगर ली बुक से। देखिए, जैसे ये डबल कोन था, अगर इसको आप ध्यान से देखिए, ये डबल कोन है। अगर इस कोन को मैंने एक, ये मान लेते हैं ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन और प्लेन के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो इसका मतलब ये बन जाएगा हमारे पास सर्कल, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अब ये एंगल जो है हमारे पास 90 से लेस है तो ये बन जाएगा, थोड़ा टिल्ट किया बेसिकली 0 से 90 के बीच में किया तो ये बन जाएगा एलिप्स। और इसी तरह से अगर हमने एंगल को रोटेट किया, किस एंगल को, एंगल ऑफ प्लेन, तो हमारे पास बन जाएगा ये पैराबोला। जब कट करेंगे ना तो यहाँ पे एक शेप आ जाएगी पैराबोला की, ठीक है। तो वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा वैसे ठीक कर देता हूँ। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये मैंने फिगर लिए, ये अवेलेबल है नेट पे, और आप इसके ना वीडियो भी देख सकते हैं थोड़ा क्लियर करने के लिए। गूगल पे जब सर्च करेंगे, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको वीडियो, तो आप वीडियो से ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। मतलब बेसिकली क्या है कि हम एंगल को जब कट करते हैं अलग अलग, किसी एंगल, मतलब कोन को अलग अलग एंगल पे कट करते हैं तो हमें मिलती है सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इस तरह से शेप्स, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ नोट करने वाली है, क्या नोट करने वाली है हमारे पास, कि अगर मैं इस और एक चीज़ नोट करने की वाली है कि ये प्लेन हमारा वर्टेक्स से पास नहीं हो रहा, ये वर्टेक्स है, यहाँ से पास नहीं हो रहा। बाई चांस अगर ये वर्टेक्स से पास होता है तब हमारे को स्पेशल केस में डिफरेंट फिगर भी बन सकती है। जैसे अगर प्लेन पे हमने इस एंगल पे कट कर दिया तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको एक पॉइंट, यहाँ पे प्लेन ऐसे ले आए इस एक्सिस पे जहाँ पे ये इसकी बाउंड्री है, तो ये बन जाएगी हमारे पास लाइन, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे इस तरह से कट किया, इसके बीच में यहाँ पे इस एंगल पे कट किया, तो हमारे को दो इंटर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगी। तो यानी स्पेशल केस में हमें पॉइंट भी मिल सकता है, हमें लाइन भी मिल सकती है और पेयर ऑफ लाइन भी मिल सकती है। पेयर ऑफ लाइन पहले हमारे सिलेबस में था, वो डिलीट हो चुका है। तो क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम है रिविजन करने के लिए, तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारा सिलेबस में। एक्स्ट्रा अगर आपको करना हो तो आप एनुअल एग्जाम के बाद पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली आपको कॉनिक सेक्शन का मतलब तो समझ आ गया होगा बच्चे,
ठीक है। कोनिक सेक्शन मतलब अगर हम कोन को डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे एक प्लेन की हेल्प से कट करेंगे तो हमें मिल सकता है सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला। तो हम उसके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो टॉपिक आता है इसमें से, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, क्योंकि बाकी पार्ट तो बहुत लिमिटेड है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है सर्कल। तो हम सर्कल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। सर्कल और आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें हर कह सकते हैं कि हर एक्सरसाइज एक टॉपिक पे बेस्ड है। फर्स्ट एक्सरसाइज सर्कल पे बेस्ड है, सेकंड एक्सरसाइज पैराबोला पे बेस्ड है, थर्ड एलिप्स पे बेस्ड है और फोर्थ हाइपरबोला पे बेस्ड है। यानी चार टॉपिक, चार एक्सरसाइज हमें करने की ज़रूरत है, ठीक है बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल। बहुत ही ईजी टॉपिक है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत ईजिली आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ आ जाएगा। तो पहले ना सर्कल की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में, आपने सर्कल पढ़ा था। तो सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको याद हो, उसी से इसकी डेफिनेशन निकल के आई कि सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सर्कल की जो फिगर है वो इस तरह बनती है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से जब भी हम ये डिस्टेंस निकालते हैं, जिसको हम रेडियस कहते थे, वो हमेशा सेम रहती थी ना, ये सारी डिस्टेंस सेम रहती है। तो इसी के बेस पे हमने सर्कल या सर्कल की डेफिनेशन से ही ये फिगर बनाने की कोशिश की। तो सर्कल की पहले डेफिनेशन पढ़ें। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ अ लोकस ऑफ ए पॉइंट, इट इज़ अ लोकस, और लोकस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। इट इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट, विच मूव्स सच दैट, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, from a fixed point is always constant. दोबारा पढ़ लो एक बार, क्या बोला मैंने कि हमारे पास it is a locus of a point, यानी एक ऐसा point, एक ऐसा point, और locus का मतलब उस point का path। तो एक ऐसा point जो इस तरह से move करता है इस circle के ऊपर, और मूव करता कि उसकी फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है हमेशा सेम रहती है। और हम यहाँ पर फर्दर क्लियर कर देते हैं, वेयर फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर, वेयर फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड फिक्स्ड डिस्टेंस, ये जो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस है, फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल के बारे में आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। तो सर्कल के बारे में पढ़ते हैं हम जरा, कि हमने सर्कल में पढ़ लिया कि जो होता है ये पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट होता है सर्कल पे जो इस तरह से मूव करता है कि जिसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से फिक्स रहती है, जिसमें फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर और फिक्स्ड डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। अब इसी के बेस पे हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल डराइव करने की कोशिश की बेटा, कैसे कि एक बार समझते हैं जरा। ये मान लेते हैं मेरे पास सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है। अब मान लेते हैं ये हमारे पास उसका सेंटर है, फिक्स पॉइंट, ये सेंटर मान लेते हैं। सेंटर को जनरली ना हम एच कॉमर्स के से डिनोट करते हैं मोस्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। और ये मान लेते हैं मेरे पास एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब सर्कल की डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो फिक्स रहनी चाहिए। तो इसका मतलब है बाई डेफिनेशन सर्कल की डेफिनेशन कहती है कि पी इंटू सी हमारा आर रहना चाहिए, है ना। डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो हमने मान लिया कि भी पी सी इक्वल टू आर है। अब मैं पी और सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर और इक्वल टू रख दिया आर। तो जब मैंने इस इक्वेशन का स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने पर मुझे क्या मिल गया, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो आ गई, दिस इज एक्चुअली नॉट समथिंग डिफरेंट, ये हमारे पास कुछ डिफरेंट नहीं है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास देखो P जो पॉइंट होगा वेरिएबल पॉइंट होगा, यानी जो इक्वेशन आएगी वो x और y में आएगी, जैसे लाइन की इक्वेशन भी जो होती है वो x और y में वेरिएबल में आती है, क्योंकि x और y वेरी करेगा, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है सर्कल पे। तो x और y वेरी करेगा बट h और k और r कांस्टेंट रहेंगे, इसलिए हमारे पास इक्वेशन x और y में आएगी, ठीक है। और जितने भी x, y पॉइंट सर्कल पर लाई करेंगे वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है, एक सेंटर और एक रेडियस। जैसे ना एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास ना एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है ना, जिसका सेंटर जो है मान लेते हैं रफली 2.3 है और रेडियस 4 है, तो इसकी इक्वेशन कैसी होनी चाहिए। तो आपको क्या सेंटर होता है h, k, तो मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब मैं ना इसकी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ,
तो x माइनस टू का स्क्वायर y माइनस थ्री का स्क्वायर इक्वल टू फोर स्क्वायर। आप इसको 16 भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको ओपन भी कर सकते हो। ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ऐसे वाई स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स वाई इक्वल टू 16। तो जब सबको सेम ले आएंगे, सेम साइड कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई, और इधर फोर और नाइन थर्टीन, थर्टीन में से 16 गया तो थ्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। तो इक्वेशन सर्कल ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक तरीका है जिसमें हम सर्कल की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन याद रहेगी अब आपको, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं बच्चे। अब जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन लिया हमने, एनसीईआरटी 11.1 में देखो पहले पांच क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐसे कैसे, सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है यानी एच ओ के दिया हुआ है। तो फर्स्ट केस में हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर वाई माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू टू स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसको ऐसे छोड़ सकते हो, नहीं तो इसको ओपन कर सकते हो। अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई इक्वल टू फोर। फोर से फोर कट जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। ऐसे ही सेकेंड पार्ट की बात करते हैं बेटा। अब सेंटर हमारे को दे रखा है, यानी ये एच है और ये के है, तो हम पुट कर देते हैं एक्स माइनस माइनस टू, तो ये एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, वाई माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू फोर स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वन बाय टू का स्क्वायर वाई माइनस वन बाय फोर का स्क्वायर इक्वल टू वन बाय ट्वेल्व का स्क्वायर यानी वन बाय फोर्टी फोर। इस तरह से हम सारे क्वेश्चन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना बेटे। तो कर लेंगे ना अभी सारे क्वेश्चन। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन की इक्वेशन क्या बनेगी, अब आपको समझ आ गया। तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर वाई माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू रूट टू का स्क्वायर यानी टू, है ना। अब इसकी क्वेश्चन बना के देखते हैं पांचवी की क्या बनेगी। पांचवी की बना सकते हैं अब एक्स माइनस माइनस ए, तो एक्स प्लस ए का स्क्वायर वाई माइनस माइनस बी, तो वाई प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसको ओपन भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। तो ये हमारे पहले पांच क्वेश्चन एनसीईआरटी के होगा, देखिए कितना ईजी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे इसका है रिवर्स ऑर्डर है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब है हमारे को दिया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दिया हमें, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी। अब हमसे रेडियस और सेंटर पूछा जा रहा है, तो हम क्या करते हैं बेटा। अब सिक्स क्वेश्चन जैसे आया है, तो सिक्स क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो होता है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होती है। तो मैंने ना क्या किया, एक्स प्लस फाइव था तो एक्स प्लस फाइव को लिख दिया एक्स माइनस माइनस फाइव, इसको लिख दिया वाई माइनस थ्री का स्क्वायर, और 36 को लिख दिया सिक्स स्क्वायर। अब मैंने जब कंपेयर किया तो एच क्या मिल गया मुझे, एच क्या मिल गया, दोनों से कंपेयर किया तो एच मिल गया माइनस फाइव, के मिल गया थ्री, है ना, क्योंकि माइनस के और माइनस थ्री था तो के मिल गया थ्री। तो ये हमारा सेंटर हो गया, और रेडियस क्या मिल गई, आर रेडियस होती है वाली, तो इसको कंपेयर किया तो रेडियस सिक्स, तो सेंटर आ गया हमारा माइनस फाइव कॉमा थ्री, रेडियस आ गई सिक्स। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमारे पास इस टाइप का, तो क्या करेंगे। अब इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है बेटा। मैं इसको ना इसको करके दिखाता हूँ आपको। ये है हमारे पास सेवन्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट वाई माइनस एट वाई माइनस फोर्टी फाइव इक्वल टू जीरो। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म से, कैसे, आप क्या करो इसका ना परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, मैंने एक्स वैल्यू टर्म पहले अलग रख दी, वाई वैल्यू टर्म अलग कर दी और 45 को उधर ले गया। अब परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है यानी 4, उसका हाफ लेते हैं। तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा, 2, तो 2 का स्क्वायर यानी जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं। तो 4 का हाफ हो गया 2, 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, अब सबट्रैक्ट उस साइड कर देता हूँ मैं, तो मतलब उस साइड भी ऐड कर देता हूँ बैलेंस बनाने के लिए, मतलब जो लेफ्ट साइड पे ऐड किया वही राइट साइड पे ऐड कर दिया। यहाँ पे 8 का हाफ हो गया 4, 4 का स्क्वायर ऐड किया इधर, तो इधर भी कर दिया,
तो ये बन गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो एक्स माइनस टू का स्क्वायर। ये बन गया वाई माइनस फोर का स्क्वायर, और इधर आ गया 45 और 4 और 16। तो 45 और 20 हो गया 65 को हम लिख सकते हैं रूट 65 का होल स्क्वायर। तो जब इसको हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो ये हमारा h हो गया 2 और k हमारा 4 हो गया। तो 2 कामा 4 हमारा सेंटर हो गया, ठीक है, सेंटर हो गया, और हमारा रेडियस हो गई वो रूट 65 हो गई, रूट 65 यूनिट्स लिख देंगे इसको। तो इस तरह से कर सकते हैं, ये हुई है एक अप्रोच, इसमें हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। कई बार स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसके लिए फिर हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन और निकाला कि जैसे हमने बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी ना, ऐसी एक सर्कल की जनरल फॉर्म भी होती है, ठीक है। जैसे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ऐसे सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस करते हैं जरा, ठीक है, क्या होगी देखिए एक बार फटाफट। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है हमारे पास ना कि अगर आपके पास कोई सर्कल इस फॉर्म में हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो उससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, तो मैंने जनरल फॉर्म ले ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये होती है हमारे पास बेटा जनरल फॉर्म। कि अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो, तो उस केस में हमारा जो सर्कल का सेंटर होता है वो होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस होती है हमारी रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये अप्रोच भी आप लगा सकते हो। अगर आपको समझना है ऐसे कैसे हुआ, तो ये बेसिकली पिछली वाली अप्रोच ही है। कैसे, देखो अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूं, तो मैंने पहले एक्स वाली टर्म एक साथ ले ली, ठीक है, फिर वाई वाली टर्म एक साथ ले ली और सी को मैं उधर ले गया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो भी एक्स कोएफिशिएंट होता है, यानी टू जी का हाफ हो गया जी, तो जी का हाफ और टू जी का हाफ हो गया जी, जी का स्क्वायर ऐड कर दिया इस साइड भी, ऐसे इसके लिए टू एफ का हाफ हो गया एफ, एफ का स्क्वायर ऐड कर दिया इस साइड, तो सेम चीज़ मैं राइट साइड पे भी करूँगा। तो अब आप देखो ये बन गया आपके पास एक्स माइनस जी का स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस जी का स्क्वायर, ये बन गया वाई प्लस एफ का स्क्वायर, और इधर बन गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। तो अब इसको कंपेयर करोगे तो सेंटर क्या आ जाएगा, माइनस जी माइनस एफ, ठीक है ना, और रेडियस क्या आ जाएगी ये, तो देखो हमने ये कर लिया। आपको प्रूव करके नहीं दिखाना, ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया। आपको ये फॉर्मूले याद रखना है कि अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो, तो हम सर्कल का जो सेंटर होता है उसको माइनस जी माइनस एफ लिखते हैं, यानी एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसके हाफ निकाल के माइनस लगा देते हैं, और ऐसे वाई का कोफिशिएंट जो होता है उसका हाफ निकाल के माइनस लगा देते हैं। अब देखो मैं आपको जो पिछला क्वेश्चन ये वाला हमने किया ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला, इसको सेम क्वेश्चन करते हैं, अब स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले कर रहा था, अब हम जनरल फॉर्म से करते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखें तो हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट वाई माइनस 45 इक्वल टू जीरो। हमने ना यहाँ लिख दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब दोनों को कंपेयर किया, तो कंपेयर करेंगे तो पहली बात इसके कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, कंपेयर किया तो 2g मेरे पास क्या मिल गया, x का कोफिशिएंट माइनस फोर, 2f क्या मिल गया माइनस एट, और c क्या मिल गया माइनस 45। तो g क्या आ गया, g आ गया माइनस टू, एफ क्या आ गया माइनस फोर, सी क्या आ गया माइनस 45। तो इस केस में सर्कल का सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ, तो मेरे पास सेंटर हो गया 2, 4। रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 45, तो प्लस 45 हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, तो रूट 65। आप चेक कर सकते हो बिल्कुल सेम आंसर आएगा, 2.5 सेंटर आ रहा था और रेडियस रूट 65 आ रही थी। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से भी कर सकते हैं सर्कल की इक्वेशन का सेंटर निकालने के लिए, रेडियस निकालने के लिए, और जनरल फॉर्म भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको 6 क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है, 7 भी क्लियर हो गया, ऐसे आप 8 कर सकते हैं। देखो कैसे मैं 8 को ना यहीं करा देता हूँ। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे, तो एक्स और का वाई का कोफिशिएंट 1 है, हम कहेंगे यस का 1 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस 8, और स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म में क्या होता है 2g, तो 2g इक्वल टू माइनस 8 हो गया, जी हमारे पास मिल गया माइनस 4, वाई का कोफिशिएंट होता है 2f, तो 2f मिल गया हमें 10, तो एफ हो गया हमारे पास 5, कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास माइनस 12 है ना, तो हमारे पास सेंटर क्या आ जाएगा, सेंटर हो जाएगा हमारे पास माइनस जी, ये सेंटर है, ठीक है ना, सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, तो 4, माइनस 5,
और रेडियस हो जाती है हमारे पास जी स्क्वायर यानी 16 प्लस 25 और प्लस 12, है ना, क्योंकि माइनस ही होती है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 25 और 16 किया तो 41 हो गया, और 41 में 12 ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया रूट 53, है ना, यही हो जाएगा। नहीं तो आप सॉरी कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, देखिए 28 रेडियस आ गई हमारे पास, 28 और 23 तो 53 आ गया, तो 53 यूनिट्स हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वाले कंसेप्ट सब आप कर लोगे। अब ये जो नाइन्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, नाइन्थ क्वेश्चन में ना यहाँ पे कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो पहले कोफिशिएंट 1 कैसे बनाएंगे, देखो 2x स्क्वायर, तो एक बार देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, आई थिंक यही क्वेश्चन है। तो पहले ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, कैसे बनाते हैं मैं आपको जनरल फॉर्म से करवा रहा हूँ, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले 1 बना दिया इस तरह से। अब आप चाहो तो इसको यहाँ पे ना पहले जनरल फॉर्म लिख लिया करो, अब 2g मेरे पास माइनस हाफ है, 2f मेरे पास 0 है ही नहीं, c भी 0 है, तो g आ गया मेरे पास माइनस 1/4, f आ गया 0 2 से लेके और c भी आ गया 0, तो मेरे पास सेंटर क्या हो गया, सेंटर होता है मेरे पास माइनस g माइनस f, तो 1/4, 0 और रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है जी स्क्वायर यानी 1/16, 1/4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, तो 1/16 आ गया 1/4, तो ये मेरे पास सेंटर आ गया और रेडियस आ गई। तो इस तरह से आप पहले 9 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा, तो पहले इनको रिवाइज कर लो, अगले ट्यूटोरियल में मैं बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो फटाफट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, थैंक यू।